सभी को नमस्कार और पुनः एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हैं। और सब जगह जैसे होता है, यहाँ भी कच्छ के हमारे सभी मीडिया के बंधु भगिनी संघ के इस कार्यक्रम के लिए आपने पूर्ण रूप से सहयोग दिया और हमारे विषय को सब जगह पहुँचा रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ। और कच्छ के अपने कार्यकर्ता भी, सौराष्ट्र प्रांत के, देश भर से आए हुए सभी संघ के, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य पदाधिकारी, इन सब का बहुत अच्छे अवभगत उन्होंने किया है। और कच्छ के जो संस्कृति है ही, इस प्रकार के अतिथियों का सत्कार करने का उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। विशेष रूप से मैं उल्लेख करूँगा, यहाँ कच्छ के जो लेवा समाज के ट्रस्ट के लोगों ने, जिस परिसर में हमारा कार्यक्रम पिछले 4 दिन से चल रहा है और आने वाले 2 दिन अपनी छोटी बैठक के भी हैं, और उन लोगों ने भी अत्यंत स्नेह से, प्रेम से हम लोगों के कार्यक्रम का आयोजन में सहयोग दिया और एक दृष्टि से यजमान बनकर उन्होंने किया। उनको मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कार्यकारी मंडल के जो बैठक हमारे होते हैं, वर्ष में 2 बार कार्यकारी मंडल की बैठक होती है, एक बार मार्च महीने में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बैठक के पूर्व कार्यकारी मंडल बैठक होती है, एक बार स्वतंत्र रूप से दशहरा के बाद और दीपावली के पहले। इन दिनों में हर वर्ष ऐसी बैठक होती है। पिछले साल यह बैठक प्रयागराज में संपन्न हुई थी। इस वर्ष यहाँ के कार्यकर्ता ने निमंत्रण दिया तो पश्चिम के इस छोर में आने के लिए हमारे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के कार्यकर्ताओं को मौका भी मिला। कई बंधु बैठक के पहले और बैठक के बाद कच्छ के इस प्रदेश को भी देख, दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए भी जा रहे हैं और गए भी थे। कई वर्ष पूर्व यहाँ जब भूकंप हुआ था, उस समय मैं 1 सप्ताह यहीं था। मैं भूकंप के तुरंत 3रे दिन ही आया था मैं, और उस समय संघ के कार्यकर्ता और संघ से प्रेरित संगठनों के, मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, मेरे पास जैसे अभी बताया संगठन मंत्री का दायित्व था। यहाँ हमने बहुत सारे राहत कार्य किए और बाद में संघ के प्रेरणा से सेवा विभाग और बाकी लोगों ने पुनर्वास का एक व्यापक कार्य कच्छ में उन्होंने किया, जो आज भी कई प्रकल्प सेवा प्रोजेक्ट उस समय जो प्रारंभ हुए वो अभी भी सेवा भारती से, सेवा इंटरनेशनल से, स्वयंसेवकों के प्रयत्न से, समाज के सहयोग से, वो सब बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे हैं। लेकिन एक विशेष रूप बात भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, संघ के यहाँ के कार्यकर्ता सौराष्ट्र के कच्छ के दूर के असम त्रिपुरा में भी होने वाले सेवा प्रकल्प के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से सहायता करते हैं। ये भी यानी देश के दो छोरों को जोड़ने का जो कार्य है संघ करता है, तो त्रिपुरा पूर्व के छोर पर है, कच्छ पश्चिम के छोर पर है, यहाँ के कार्यकर्ता हमारे वहाँ असम के उनके वगैरह के लिए भी कई प्रकार के सहयोग देते हैं। तो ऐसे एक संघ के जो कार्य चलता है, अभी 3 दिन के कार्यक्रम आज शाम को संपन्न होगा, दोपहर के और 1 सत्र में कुछ विषय हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी भोजन के पूर्व आप लोगों के साथ थोड़ा समय संवाद के लिए हम यहाँ हैं। संघ के इस बैठक में कई विषयों की हमने चर्चा की, विशेष रूप से संघ के जो 2 प्रकार के कार्य चलते हैं, एक शाखा आधारित व्यक्ति निर्माण के कार्य, केडर बिल्डिंग, यह हिंदू समाज के व्यक्ति निर्माण के कार्य का एक बहुत आग्रहपूर्वक संघ ने पिछले 98 ईयर से एक साधना के रूप में चला रहा है। हिंदू समाज के, राष्ट्र के बहुत सारे विश्व कार्यक्रम जो बाहर दिखता है, सेवा के है, बाकी समाज के और भी काम होते हैं, वो एक प्रकार है, लेकिन मनुष्य निर्माण के जो कार्य है, केडर बिल्डिंग, और एक एक बस्ती में, मोहल्ले में, गांव में देश के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति,
और वो अपने भाषा, जाति, पंथ, इन सब से परे होकर पूरे राष्ट्र के लिए सोचने वाला, प्रतिदिन कुछ समय देने वाला, और इसके लिए कुछ प्रशिक्षण लिया है, उनके मन मस्तिष्क को उस दृष्टि से प्रशिक्षण देने का, ओरिएंटेशन देने का कार्य संघ करता है। इसको हम शाखा कहते हैं। उस शाखा आधारित बहुत सारे काम होते हैं, तो शाखा प्रतिदिन चलाना साल भर में, और अलग अलग आयु गट के लिए चलाना, उनके लिए अनुकूल कार्यक्रम करना, और बिना किसी चाह से पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इन प्रकार के चाह न रखते हुए देश समाज के लिए काम करना, यह जो पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने प्रारंभ किया वो कार्य हम करते हैं। वो कितने स्थानों पर होना चाहिए? देश भर में होना चाहिए। इसलिए हमें हर मंडल में एक शाखा वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। इसलिए शताब्दी वर्ष तक हम पूरा मंडल करें 59,060 मंडल अभी देश भर में है, तो इसमें हम लोगों ने लगभग 38,000 तक अभी मंडलों में हमारी शाखाएं या साप्ताहिक मिलन, वीकली शाखा और डेली शाखा, ये हमारी चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको हम शताब्दी वर्ष तक 2025 तक इसको पूरा करें। तो अभी शाखाओं की संख्या भी, जो मैंने कहा दैनिक शाखा और साप्ताहिक मिलकर 95,528 शाखाएं हैं। तो सामान्यतः हमारे संघ के स्वयंसेवकों के हमारे मेंबरशिप तो नहीं है, शाखा में आते हैं, रोज आते हैं, कोई सप्ताह में दो दिन आता है, तो ऐसे स्वयंसेवकों की हम सूची रखते हैं, लेकिन मेंबरशिप तो है नहीं, इसलिए निश्चित संख्या करना आसान नहीं होता है। और हमारे यहाँ बाल स्वयंसेवक से लेकर वृद्ध तक आते हैं, शिशु स्वयंसेवक से लेकर, तो सभी आयु के लोग आते हैं। जैसे सामान्यतः हम गुरुपूजन, गुरुदक्षिणा के, गुरुपूजा के समय जो स्वयंसेवक आते हैं उनको हम नित्य के स्वयंसेवक मानते हैं, वो इस वर्ष सामान्यतः 37,900 इस वर्ष के है, मीन 37 लाख से ऊपर हमारे नित्य शाखा से संबंध रखने वाले स्वयंसेवक देश भर में हैं। समय समय पर संघ के दृष्टि से कार्य करते हैं, वो सब शाखा में नित्य नहीं आते होंगे, उदाहरण के लिए सेवा के कार्य हमारे होता है, तो सेवा का कार्य करने वाले सेवा प्रकल्प में जाते हैं, शाखा में शायद नहीं आता होगा, वो समाज के व्यक्ति है, वो संघ को मानता है, लेकिन शाखा के रचना में जो व्यक्ति निर्माण के रचना है, बैठकें हैं, प्रशिक्षण है, उसमें शायद नहीं आते होंगे, लेकिन वो सेवा प्रकल्प में जाते हैं। अभी हमारे प्रचार विभाग है, प्रचार विभाग के 10 आयाम हैं, इसमें कई लोग काम करते हैं, वो नित्य की शाखा में भले ही नहीं आते हैं, क्योंकि उनको शाखा के रचना में वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहिए इस विचार के साथ उनकी सहमति है, तो इसलिए वो प्रचार विभाग में जुड़ जाते हैं। ऐसे हमारे ग्राम विकास के हैं, गो सेवा के हैं, कुटुंब प्रबोधन के हैं, पर्यावरण रक्षा के हैं, इन आयामों में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, वो उसकी गिनती इसमें नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट है, उसके मेंबरशिप भी नहीं है, शाखा के सूची में उनका नाम भी आना संभव नहीं होता, क्योंकि वो ओपन टू ऑल है। तो इसलिए संघ के आज जो कार्य चल रहा है, यह एक दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन है, एक नेशनल मूवमेंट है। इस मूवमेंट में अभी कई प्रकार के विषय हमने पिछले कई वर्षों से समाज के सम्मुख लाने का प्रयत्न भी किया। अभी राष्ट्रीय अस्मिता के, राष्ट्रीय पहचान के एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों के जीवन में हुआ है, हम सब जानते हैं, वो है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्माण का, वो मंदिर निर्माण के अभी कार्य लगभग संपन्न हो रहा है, और आने वाले पौष मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को यानी 22 जनवरी को वहाँ श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा
उस नवनिर्मित मंदिर में होने वाली है। वहाँ के तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट है, न्यास है, उन्होंने पूजनीय सरसंघ चालक जी को, प्रधानमंत्री जी को आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक सारे आंदोलन में सारे हिंदू समाज को लगाने का कार्य भी किया, स्वयं भी भाग लिए हैं। देश भर के कोने कोने से लोग उसमें जुड़े रहे, तो एक ऐसे एक ऐतिहासिक क्षण आया है। इसलिए संघ ने तीर्थ क्षेत्र न्यास को कहा कि देश भर में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम एक व्यापक संपर्क का अभियान करेंगे। संक्रांति के दिन से हमको तीर्थ क्षेत्र न्यास ने ये सूचना दी है, उन्होंने वो संक्रांति के दिन से 1 सप्ताह के अनुष्ठान करेंगे नए मंदिर के परिसर में और गर्भगृह में। उस अनुष्ठान के अंतिम दिन यानी 22 जनवरी को द्वादशी के दिन वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पूरा होगा। वो अंतिम दिन प्रमुख कार्यक्रम रखा है उन्होंने, उसमें देश भर के बहुत सारे साधु संतों को वगैरह तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया है। उनके जो वहाँ जितनी व्यवस्था वो कर पाएंगे उसमें करेंगे। हमने तो सोचा है सभी स्वयंसेवक देश भर से लाखों की संख्या में पहले दिन वहाँ जाना संभव भी नहीं है, उतना जगह भी नहीं रहता। इसलिए हमने ये सोचा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर के संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक घर घर गाँव गाँव जाएंगे, राम मंदिर के एक चित्र और राम जी के चित्र तीर्थ क्षेत्र न्यास देने वाले हैं और रामलला के मंदिर के अक्षत एक रामलला के इसमें वो सभी प्रांतों को देने वाले हैं, उसको लेकर हम घर घर जाकर सभी को मंदिर और रामलला के दर्शन के लिए आने के लिए निमंत्रण देना, इस दृष्टि से व्यापक जनसंपर्क करना लाखों की संख्या में। जैसे पिछले निधि समर्पण में भी बहुत बड़े संख्या में 4.5-5 लाख गाँवों में गए थे, लेकिन वो उस समय समय थोड़ा ज़्यादा था, 45 दिन का समय था। अभी हम 15 दिन का लिए हैं, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। तो इस कार्य के थोड़ा सा डिटेल्स हमने इस बैठक में चर्चा की है। प्रांतों में लोग जाएंगे तो उसके एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीर्थ क्षेत्र के इस आयोजन पर हमारे सहयोग इस प्रकार रहेगा। दूसरा एक है शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने समाज परिवर्तन के 5 आयाम को आग्रहपूर्वक सामने लाने का प्रयत्न किया है, उसकी चर्चा हमने यहाँ की है। पहले स्वयंसेवक और शाखा के स्तर पर इसको करना है, इसलिए सामाजिक समरसता, समाज में छुआछूत, जाति भेद, ज्ञाति भेद ये नहीं, हम सब सभी हिंदव सुधरा सर्वे, सब मिलकर ये एक समाज है। इस दृष्टि से इस प्रकार के जन्म आधारित किसी प्रकार के भेदभाव को हमको नहीं मानना है, तो इसलिए उसके बारे में अपने जीवन में व्यवहार में लाने के प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है परिवार प्रबोधन, कुटुंब में जीवन मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य अगली पीढ़ी में आने चाहिए। प्रत्येक परिवार को अपने जीवन निभाते समय, मुझे गुजरात के लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने जीवन निभाते समय 2 और काम करने हैं, एक समाज के प्रति कुछ सेवा के काम करने हैं और संस्कृति और धर्म के रक्षा के लिए कुछ करने हैं। सारे गुजरात और सौराष्ट्र के समाज में ये व्यापक रूप से है ही, पूरे देश में भी होना चाहिए, सभी वर्गों में सभी स्तरों पर होने चाहिए। इसलिए परिवार प्रबोधन के कार्य, हर परिवार इस दृष्टि से तैयार हो। तीसरा है हमने क्या, वो है पर्यावरण की रक्षा, तो इसलिए अपने पेड़ लगाने का, पॉलिथीन उपयोग कम करते हुए बंद करने का और पानी बचाओ, इस प्रकार के एक सामान्य काम जो सभी कर सकते हैं उसको हमने लिया है। उदाहरण के लिए अभी जोधपुर, राजस्थान के एक हिस्सा जोधपुर प्रांत यानी 1/3 ऑफ राजस्थान, उसमें अपने कार्यकर्ता ने 45 दिन में पर्यावरण के यात्रा किए और उसमें 15 लाख पेड़ लगाया उन्होंने, 14,000 किलोमीटर की यात्रा की। यानी ऐसे
कई जगह पर, अभी कर्नाटक में सीड बॉल उसके उन्होंने किया, 1 करोड़ पौधा लगाने के उन्होंने पिछले साल योजना बनाई है। ऐसे समाज के लोगों को जोड़कर पर्यावरण के रक्षा के लिए स्वयंसेवक समाज के साथ मिलकर कुछ करना चाहिए, ये तीसरा विषय है। चौथा विषय हमने किया है स्वदेशी जीवन शैली, स्व आधारित जीवन शैली, अपनी मातृभाषा, यहाँ के प्रोडक्ट, यहाँ के संस्कृति, ऐसे स्वदेशी जीवन शैली। स्वदेशी जीवन शैली केवल वस्तु तक सीमित नहीं है, जीवन शैली में ही स्वदेशी होनी चाहिए, इस दृष्टि से आग्रह करते हैं। पांचवा विषय है नागरिक कर्तव्य, सिविक सेंस, सिविक डिसिप्लिन। एक नागरिक के नाते हमारे कुछ संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज कहा है और समाज के जीवन में भी होने चाहिए, एक नागरिक अनुशासन को अपने जीवन में लाना चाहिए, इसलिए स्वयंसेवक अपने स्तर पर, अपने कुटुंब के स्तर पर, दूसरा हमारे शाखा के क्षेत्र में, तीसरा व्यापक समाज में। इसलिए समाज में संस्थाएं हैं, मंदिर है, व्यापारी संघ है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, उन संस्थाओं से भी हम इन विषयों के लिए संपर्क करेंगे, बात करेंगे, वहां भी आए पर्यावरण की रक्षा, विद्यालय में क्या हो सकता है, अब सामाजिक समरसता, मंदिर में इसके कैसे लागू करेंगे, स्वदेशी व्यापारिक क्षेत्र में कैसे हो सकता है, ऐसे हर विषय के लिए समाज में इस विषय को ले जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता आयाम बनाए हैं, लिटरेचर बनाए हैं, इस विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बिंदु इस वर्ग में, इस बैठक में हमने तय किए, पिछले वर्ष हमारे संघ के एक चिंतन बैठक हुई, उसमें कुछ विषयों की हमने चर्चा की थी, उसमें एक प्रमुख विषय संघ के हर वर्ष संघ शिक्षा वर्ग, कार्यकर्ताओं के एक प्रशिक्षण वर्ग होता है, ट्रेनिंग कैंप, वो 3 सप्ताह के होते हैं, 21 डेज, और नागपुर में 25 डेज के होते हैं, पहले 30 दिन का होता था, आजकल के थोड़ा सा छुट्टी वगैरह की है, हमने उसको थोड़ा सा डिवाइड करके 25 दिन कर रहे हैं। उसमें कुछ वर्तमान संदर्भ में कुछ उसमें सुधार, कुछ परिवर्तन, संशोधन करने का एक योजना हमने बनाई है। उसमें सामान्यतः एक परिसर में आए तो 15 दिन 20 दिन वहीं रहते थे, हमने उसमें कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उस वर्ग में ले जाना, 5 दिन के लिए बाहर जाकर कोई सेवा प्रकल्प, कोई समाज में या ग्रामीण क्षेत्र में या किसी समाज के चल रहे प्रोजेक्ट देखने के लिए, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थोड़ा देनी चाहिए अधिक। हमारे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम और परिसर के अंदर के कुछ प्रशिक्षण होते हैं, तो ऐसे एक विषय किया और आयु गट के हिसाब से कुछ किया है, स्कूल विद्यार्थी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार और थोड़ा बड़े आयु के लोगों के लिए, इसलिए कैंप ही अलग अलग करना ताकि कुछ विषयों के संदर्भ में भी शारीरिक कार्यक्रम जो होता है उसके बारे में भी युवाओं के लिए और थोड़ा सा 40-50 आयु के ऊपर के लिए थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार से करना पड़ता है। तो इन सारे विषयों को लेकर हमने अपने संघ के प्रशिक्षण वर्ग में कुछ बदल किया है। सामान्यतः सीमावर्ती क्षेत्र है पूरे देश में, अपने एक सीमा के विकास के लिए सीमा जनजागरण मंच एक है, सीमा जन कल्याण समिति एक है, ये सारे संघ के स्वयंसेवक चलाते हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ विषय आज दोपहर में भी आने वाला है। हमने वहाँ एक है सीमा के जनता के विकास के, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, इस प्रकार के विषय वहाँ। दूसरा है सीमा के सुरक्षा, इसलिए वहाँ के सुरक्षा बलों के साथ थोड़ा सा समन्वय रखते हुए वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के संबंध में वो चौकन्ना रहें और जागरूक भी रहें, और सीमा पर रहने वाले हमारे समाज के लोग वहाँ रहेंगे तो बाकी देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए सीमा को केवल वर्दी पहने हुए सैनिक और सीमा बल ही लेके, ऐसे हमारा कहे देशभक्त नागरिक
सीमा में रहना और सीमा के दृष्टि से वहाँ वो उनके उस मिट्टी के लोग हैं वो, इसलिए वहाँ के संस्कृति वहाँ के करना है। कई बार कठिनाई होती है, इसलिए सारे समाज उनके सहायता में रहनी चाहिए। इसलिए हम लोग पूरे देश के सीमा के अलग अलग भाग, पश्चिम के थल सीमा जल सीमा दोनों हमने विचार किया है। तो इस दृष्टि से भी सीमावर्ती क्षेत्र के विकास, वहाँ के जनता के भौतिक जीवन की आवश्यकता और सुरक्षा, इस विषय में भी अपने कार्य चलता है। यहाँ भी हमने उसके थोड़ी सी चर्चा की, आज दोपहर को भी वो विषय हम करने वाले हैं। तो ऐसे इस बैठक में मुख्य रूप से इसे, बाकी अपने प्रवास की योजना, आने वाले दिनों के कार्यक्रम, उत्सव की योजना वगैरह करते हैं। विजयदशमी भाषण जो पूजनीय सरसंघ चालक जी के हुआ, उस पर चर्चा किए, कई देश भर के कई स्थानों पर समाज के लोगों को जोड़कर हमने चर्चा की है, ताकि उनको इस विषय के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए तो हम दे सके। तो उसमें भी बहुत सारे विषय आए हैं। तो विजयदशमी भाषण में क्या क्या विषय आए आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुल मिलाकर 3 दिन के इस कार्यकारी परिषद के बैठक में, कार्यकारी मंडल के बैठक में देश भर से आए हुए लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को पूरा किया है। कुल अपेक्षित 385 थे, 357 यहाँ उपस्थित है, 92% उपस्थिति अपने इस बैठक में रही है। तो पुनः एक बार आपको धन्यवाद। आपको कुछ विशेष पूछना है तो खास करके सबकी नजर संघ की ये बैठक पर टिकी हुई है, पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टियों की मैं बात करता हूँ, तो एक्चुअल पॉलिटिकल हिसाब से आपने कौन सी चर्चा की? हम पॉलिटिकल चर्चा अभी कोई करने का विषय ही नहीं है, यहाँ हमने ऐसे किए भी नहीं है। पॉलिटिकल चर्चा करने के कोई ऐसे इश्यू भी हमारे सामने अभी नहीं है। पॉलिटिकल विषय की चर्चा संघ ने, पॉलिटिकल विषय ने कौन से पॉलिटिकल विषय है, देखिए मणिपुर की स्थिति क्या है थोड़ा सा हमने चर्चा की। देश के पॉलिटिकल विषय इलेक्शन ही है, तो इलेक्शन तो देश में चल रहे हैं, तो वो उन राज्यों में चलेंगे। तो उसमें हमने तो हमेशा कहा है 100% मतदान होनी चाहिए और देश के हित में लोग इस लोकतंत्र के कर्तव्य को निभाना चाहिए, ये हमारा आग्रह रहता है। बाकी पॉलिटिकल चर्चा हमारे बैठक में होती नहीं, हमारे बैठक में शाखा कैसे मजबूत हो, हिंदू समाज के सामने और क्या क्या विषय हैं, ये जो मैंने 5 विषय बताया समाज को करने का, तो इसके लिए स्वयंसेवक हम अपनी भूमिका कैसे निभाए, चर्चा हमारी यही रहती है। सर हेलो, सर एक बात सिर्फ जाननी है, पॉलिटिकली गवर्नमेंट कोई भी कहीं भी हो, संघ पहले से ही भ्रष्टाचार का विरोध करता है और देश में भ्रष्टाचार अधिक से अधिक हो रहा है, अब संघ की क्या भूमिका रहेगी? भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसे सामने आएगा तो कोई आंदोलन करता, अन्ना आचार्य ने आंदोलन किया, स्वयंसेवकों ने समर्थन किया, कोई ऐसे विषय आता है तो देखेंगे। भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई विषय ऐसे सामने किसी ने लाया है तो एक, स्वयंसेवकों ने ऐसे विषयों के संदर्भ में जागृत भी है, करते भी हैं, नहीं करते ऐसे नहीं है। तो ऐसे कोई विषय किसी ने आरोप लगा दिया उसे हो गया, वो तो देखिए राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से क्योंकि अन्नाचार्य वॉज नॉट ए पोलिटिकल लीडर, जयप्रकाश नारायण जी ने विषय हुआ था, स्वयंसेवक उसमें साथ में रहे। कोई पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे के बताता है उसमें संघ नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल वन अपमैनशिप है, उसमें हम नहीं पड़ते। हेलो हेलो कच्छ सरद, हेलो कच्छ सरद ही विस्तार है और सरद पे
जो सरहद खाली हो रही है और हिंदू की बस्ती भी घट रही है, तो कच्छ एक ऐसा इलाका है पाकिस्तान नजदीक है, तो इस बारे में संघ मैंने बताया बिल्कुल सुरक्षा के यहाँ की आबादी रहनी चाहिए, यही मैंने कहा। इस आबादी को रहने के लिए बाकी समाज के भी सहयोग चाहिए, इसलिए हम समाज के जागरण भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने सरहद को प्रणाम ऐसे एक कार्यक्रम किया देश भर के, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उनको कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन वहाँ के नौजवानों को बॉर्डर की स्थिति ध्यान में आए, इसलिए हर राज्य के हर जिले के 10-10 युवकों को हमने सेलेक्ट करके सरहद को प्रणाम करके 3 दिन का कार्यक्रम किया, ताकि सरहद पर आए और यहाँ के लोगों को बताएं हम आपके साथ हैं। ऐसे कार्यक्रम हमने किया है और ऐसे करते भी रहते हैं। जैसे मैंने कहा सीमाजन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सरहद से जनता नागरिक वहाँ से खाली नहीं होने चाहिए, इस दृष्टि से हमारी भी चिंता है और हमारी सीमा जनकल्याण समिति, सीमा जागरण मंच इस विषय के बारे में विशेष रूप से ध्यान देकर वहाँ के लोग वहाँ रहने के लिए जो आवश्यकता है वो करने के लिए हमारे प्रयत्न है। अच्छा, पर्यावरण रक्षा की बात की, एक के बाद एक करेंगे। मेरा एक ही प्रश्न है, वो पॉलीथीन का जो उपयोग है, तो पॉलीथीन के उपयोग में तो यहाँ पे तो सब जगह मिलता है, तो सरकार ही उसकी फैक्ट्री पर बैन क्यों नहीं लगाती? यहाँ लगाना चाहिए, जहाँ लगाया है हमने समर्थन किया है, लगाए, अच्छी बात है। मैंने गुजरात में जब आया तो मैंने कहा यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ भी कानून है, पालन होना चाहिए। ऐसे किसी ने कहा, मुझे कानून है कि नहीं आप लोग बताएंगे, मेरे एक मित्र ने कहा, मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ आया गुजरात के अंदर, इस प्रवास से पहले के प्रवास में कर्णावती आया था, तो मैंने पूछा यहाँ पॉलीथीन के बारे में कानून है क्या? ऐसे कानून है तो उसका पालन होना चाहिए, और सरकार पालन करवानी चाहिए, हमको भी पालन करना चाहिए, यानी मेरे से एक बिल्कुल करना चाहिए। मेरा और एक कहना है, समझो कानून नहीं भी है तो अपने को उसमें कितने क्रेयान का है, कितना आंकड़े का है, वो है, पॉलीथीन सभी एक ही प्रकार नहीं है, सिंगल यूज जो होता है उसका पहले इसमें उसको रोकना चाहिए। इसलिए एक सिंपल है, देखिए अभी मंदिर में अब फूल के लिए बाकी चली गई, वही पॉलीथीन सभी उपयोग करते हैं, हम भी करते हैं, मैं भी करता होगा, इसलिए ऐसे चीज़ों को हमें पहले अपने से होकर उसको रोकना चाहिए स्वयं। सरकार कानून भी बनाए, हमारा समर्थन है, स्वागत है। सर, शरद के क्वेश्चन को दोबारा दोहराऊंगा, शरद खाली हो रहे, गांव भी कच्छ के अंदर कई ऐसे जो खाली हो रहे, और परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के कई ऐसे किस्से कच्छ के अंदर के जो बाहर आए हैं, तो उसके लिए आरएसएस क्या कार्य करेंगे? धर्म प्रवर्तन वही धर्म जागरण के विभाग संघ के स्वयंसेवक चलाते हैं, वो इस विषय के बारे में ध्यान भी देते हैं और कन्वर्शन रोकने का और घर वापसी के दोनों काम धर्म जागरण संबंध विभाग करता है, उसको ध्यान में लाकर हम कार्यवित करते भी हैं, उसका कार्य होता भी है, और कच्छ के संदर्भ में भी इस विषय के बारे में गंभीरता से और भी करना चाहिए, आवश्यक है तो करेंगे, और इस विषय के बारे में हम आपसे सहमत भी हैं और होना चाहिए, इसका आग्रह भी हमारा है। सर, खास करके मुख्यमंत्री और मोहन भागवत जी के बीच लंबी एक बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कुछ खास मुद्दे को लेकर बातचीत हुई थी, ऐसे सौजन्य बातचीत? देखिए, मिलने पर तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में होगी ना, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, भोजन पर आए थे तो स्वाभाविक है, इस राज्य में आए हैं तो उन्होंने भी एक बार मिलने के लिए आया था, मिले थे, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकल बात हो गई, तो सामान्यतः सरसंग चालक जी ऐसे विषयों की बात करते भी नहीं है, सामान्यतः जैसे सीमा के संदर्भ में या तो जनरल विषय के ऐसी बात हुई है, बाकी कोई पॉलिटिकल बात तो हुई नहीं और करते भी नहीं। अच्छा सर, हर एक कार्यकारिणी में, हर एक संस्था की कार्यकारिणी परस्पर शुभकामनाएं हुई, कुछ रेजुलेशन पास होते हैं, तो इस कार्यकारिणी में कौन से रेजुलेशन पास हुए? और दूसरा, हिंदू राष्ट्र की कल्पना है तो कब पूर्ण होने जा रही है, या उसको पूर्ण करने में क्या कार्यक्रम बन रहे हैं या क्या प्लानिंग है? पहली बात है, प्रस्ताव कार्यकारी मंडल में इसमें हम पारित नहीं करते, करते हैं कभी कभी, इस बार कोई प्रस्ताव नहीं था, क्योंकि अभी अभी मार्च में प्रतिनिधि सभा में हमने प्रस्ताव पारित किया था, और फिर प्रतिनिधि सभा में तो हम प्रस्ताव पारित करते भी हैं, कोई विषय रहता है तो यहाँ ऐसे कोई
प्रस्ताव पारित नहीं किया है इस बार, लेकिन निर्णय किया है, जैसे मैंने कहा जनसंपर्क का निर्णय किया, बाकी विषय जिसका मैंने उल्लेख किया। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा ये मूल विषय बता, हिंदू राष्ट्र है अभी, ये हिंदू राष्ट्र पहले से अभी भी है, हमेशा रहेगा। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, मैं हिंदू हूँ ऐसे मानने वाले एक भी आदमी इस भूमि पर रहता है तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, ऐसे नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संविधान में जो होता है वो राज्य पद्धति है, स्टेट है, स्टेट सिस्टम इज डिफरेंट। ये राष्ट्र के नाते हिंदू है, उदाहरण के लिए अंग्रेज यहाँ रूल कर रहे थे, ब्रिटिश राज था, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, तो आप उसका कंपेयर करेंगे तो राज्य किसे कोई हो सकता है, तो राज्य अलग है, राष्ट्र के नाते भारत हिंदू राष्ट्र पहले से आज भी है एक, लेकिन हिंदू राष्ट्र के एहसास होने चाहिए, नहीं कैसे, यहाँ के मिट्टी के उदाहरण के लिए अभी उदाहरण, बड़ा उदाहरण है अयोध्या में राम मंदिर होना, ये राष्ट्रीय अस्मिता के एक प्रकटीकरण है, जिसको इस देश के लोगों ने पहले से माना था। सोमनाथ मंदिर को यहाँ स्थापना करनी चाहिए, इसे कुलपति मुंशी जी ने किया और राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ आए, क्या कारण था, तो राष्ट्र की अस्मिता को जागृत करने के लिए, तो जय सोमनाथ ये राष्ट्र के एक मंत्र बना, जैसे वंदे मातरम है, तो इसलिए राष्ट्र के एहसास होने चाहिए। जैसे मैंने कहा हर मंडल में संघ के शाखा पहुंचने चाहिए, मैंने प्रारंभ में कहा एक एक मंडल में भी 5, 10, 15 ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के एकता के सोचता है, अपने जीवन में उसको उतारता है, समाज के लिए कुछ समय देता है, ऐसे जो करना, ये हिंदुत्व है, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मेरे जीवन में मुझे कुछ करने हैं, ये हिंदू राष्ट्र के एहसास कराने का काम संघ कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र ही, यह संघ के विचार है। सर एक क्वेश्चन, दत्तात्रेय जी शायद सही लगे या ना लगे, लेकिन मेरे मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं, हिंदू कहने से सवाल को आज ही नहीं करना जी सर, हिंदू कहने से मैं हिंदू नहीं हो जाता, लेकिन कई बार हम ऐसे किस्से देखें जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अगर मंदिर में जाती हैं तो मंदिर में सबसे पहले भगवान की मूर्ति या माता जी की मूर्ति नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ के फिर जानते हैं वो ये भगवान है ये, तो उसके लिए आरएसएस संस्कृति क्या लाएगी बताता हूँ। देखिए मंदिर में जाना नहीं जाना है, हिंदू है मंदिर में नहीं जाते हैं ऐसे भी हिंदू है, किसी खास मंदिर में जाता ऐसे हिंदू है, सभी मंदिर में जाता है, गुरुद्वारा में भी जाता है, सब में जाता है, ऐसे हिंदू भी है, इसलिए इसका कोई ये आग्रह नहीं है किसी के, हमारे यहाँ इसलिए शैवासों पार्थते शिवैति ब्रह्मेति जो बताया है, आप किसी भी मंदिर में जाओ ना जाओ आप हिंदू फिर भी बने रह सकते हैं एक, तो वहाँ जाने के बाद उसको उस मंदिर के जो रीति रिवाज है उस हिसाब से रहने चाहिए। अब गुरुद्वारा में हम जाएंगे तो माथा टेकेंगे और सिर ढकेंगे, करना चाहिए, यह हर एक के लिए, वहाँ उस मंदिर के जो रीति रिवाज है किसी भी धार्मिक स्थान के वो पालन करना, ये हिंदू के पद्धति है। भगवान का नाम लिखा हुआ, हाँ ठीक, चेहरा देख के पहचाने, देखिए वो वहां के मंदिर के जो रखरखाव करने वाले वहां के मंदिर के ये है मैनेजमेंट कमिटी है, वो उनको करना चाहिए, सुझाव दे सकते हैं। कई मंदिरों में मुझे नहीं, दक्षिण भारत में कई मंदिरों में आप जाएंगे तो मंदिर के जो मूर्ति है उसके ऊपर नाम लिखा रहता है, ये वीरभद्र है, ये अली है, या मांझे है, लिखा रहता है, कोई श्लोक भी रहता है, वो वहाँ के पद्धति करना नहीं है, ऐसे हमारे यहाँ तो है ही नहीं, वो वहाँ के जो मैनेजमेंट कमिटी है, धर्मदर्शी ट्रस्टी बोर्ड है, उनके विचार है, वो करना चाहिए, अच्छा ही रहेगा करने से, उसमें आगे भी देव देवताओं के कई जगह पर परिचय के पुस्तिका भी देते हैं भक्तों के लिए। ये तो धर्म प्रचार का काम है, अब आप तिरुपति मंदिर में जाएंगे तो 10 प्रकार के धर्म प्रचार के काम करते हैं,
ये अगली पीढ़ी को बताने का कार्य करने के लिए मंदिर छोटे या बड़े प्रमाण में वहां के भक्तों के जोड़कर कुछ ना कुछ इस विषय के वो तय कर सकते हैं। संघ इसका स्वागत करता है, समर्थन भी करता है, लेकिन करना उनको है। सर, संघ की बैठक में महिला वर्ग को कोई विशेष उपदेश दिया हो? है? महिला वर्ग को कोई उपदेश दिया हो? क्या करना महिला के लिए कोई मैसेज हो बैठक में? कोई मैसेज कोई मैसेज महिलाओं के लिए क्यों विशेष मैसेज देना है? पुरुषों के लिए विशेष मैसेज देना है, महिलाओं के बारे में आप ध्यान रखिए ऐसे, क्योंकि महिलाओं के विकास के जो बाधा है वो पुरुष है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, डोंट डू एनीथिंग फॉर द वुमेन, प्लीज लीव देम अलोन एंड दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ओनली थिंग इज एजुकेट देम, ऐसे कहा। क्योंकि एजुकेशन आप हाथ में रखे हैं, उनको एजुकेट कर दो वो करेंगे। गुजरात के लोगों को मुझे ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि गुजरात में बहुत व्यापक प्रमाण है। महिलाओं के संदर्भ में संघ के शाखा, संघ के कार्य में, संगठन में है। देखिए, अभी संघ के स्वयंसेवकों के प्रेरणा से चलने वाले जो संगठन बहुत सारे हैं, जैसे कल्याण आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है, किसान संघ है, विद्यार्थी परिषद है, भारत विकास परिषद है, सेवा भारती है, इन सब में स्वयंसेवक हैं। लेकिन इन सारे संगठनों में बहनें काम करती हैं, पदाधिकारी बने हैं, अध्यक्ष भी बने हैं, सचिव बने हैं, सब है सारे संगठनों में। इन सबके मिलकर एक महिला समन्वय चलता है उनके, उस महिला समन्वय के साथ संघ के एक सहयोग है, आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन है। महिला समन्वय के लोगों ने इस वर्ष जिला स्तर पर सम्मेलन कर रहे हैं। अभी तक का हमको जो जानकारी उन्होंने दी, 120 सम्मेलन हुए और 500 से अधिक सम्मेलन होने वाले हैं अप टू फरवरी। उसमें क्या विषय उन्होंने रखा है जो हम समर्थन करते हैं, सहयोग भी देते हैं, क्योंकि बहनें ऐसे प्रकार के सामाजिक राष्ट्रीय कार्य करने के लिए सामने आना चाहिए, उनको उस दृष्टि से मजबूत होने के लिए हमें सहयोग देना चाहिए। उन्होंने समाज के जो मैंने सामाजिक परिवर्तन का विषय बताया, ऐसा कुछ विषय उन्होंने लिया है। एक दूसरा, महिलाओं के सशक्तिकरण। तीसरा, महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं रहती है वो नीचे तक पहुंचती नहीं है कई बार। इन विषयों के बारे में उन्होंने महिला सम्मेलन में, एक दिन के सम्मेलन वो कर रहे हैं, उसका हम सहयोग दे रहे हैं, ये होना चाहिए। ऐसे महिला जागृति के, महिला सशक्तिकरण के लिए संघ के कार्यकर्ता समर्थन देंगे। एक दूसरा, हमने और एक विचार किया है, संभवतः हर महीने दो महीने में हमारे जो कमाने वाले स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी स्वयंसेवक नहीं, जो गृहस्थ है, ऐसे स्वयंसेवकों की शाखा महीने दो महीने में अपने शाखा क्षेत्र में परिवार मिलन करें, वहाँ महिलाएं, माता बहनें आए, समाज के बारे में कुछ करने के काम की दृष्टि से भी सोचें, कुछ वैचारिक प्रबोधन भी उनका हो, इस दृष्टि से करना चाहिए। ऐसे हमने, महिला सहभागिता देश में बढ़ने चाहिए, इसलिए अभी पार्लियामेंट में जो एक बिल पास हुआ, तुरंत हमने उसका स्वागत किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से। केवल स्वागत नहीं, इसको जल्दी ही क्रियान्वयन करने के लिए भी योजना बने, ऐसे हमारा आग्रह भी है। खास तो सर, ये जो लव जिहाद वाले किस्से हो रहे हैं इसके बारे में संकुचन, ये महिला सुरक्षा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में लव जिहाद के संदर्भ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता विशेष रूप से ध्यान देते हैं, इसमें लीगल फाइट भी हैं, कुछ जगह पर समाज के जागरण करने के भी हैं। किशोरियों को कम उम्र के 8-9, 8-9-10वीं कक्षा में, 11वीं-12वीं कक्षा में जो लड़कियां हैं उनके जागृति के काम माता बहन, माँ बाप को भी करने चाहिए घर पे, और राष्ट्र सेविका समिति किशोरी वर्ग करके उनको किशोरी को संस्कार देना, सुरक्षा के बारे में बताना, ये कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मिशन साहसी करके एक योजना बनाकर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेल्फ डिफेंस के वो ट्रेनिंग देते हैं, हजारों छात्राओं को विद्यार्थी परिषद ने दिया। इन सभी चीज़ों के हम समर्थन करते हैं, ये होने चाहिए। लव जिहाद के संदर्भ में कई जगह पर जो वहाँ से छुटकर आई है ऐसे युवतियों के रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, क्योंकि उनकी शादी कैसे हो गई, उनके जीवन का क्या होगा, कई जगह पर माँ बाप भी वापस नहीं लेते क्योंकि वो
दो महीने, चार महीने, एक साल कहीं किसी के साथ चली गई, ये सारे एक सोशल प्रॉब्लम होता है। हमारे स्वयंसेवकों ने, उदाहरण के लिए केरल में हमारे स्वयंसेवकों ने इसके लिए पुनर्वास के योजना बनाई, उसके लिए होम बनाया। ऐसे युवतियाँ आती है तो वहाँ एक आर्य क्या सर आर्य गुरुकुलम, उन्होंने इस विषय को प्रारंभ किया, हम पूरा उनको समर्थन दिए, उसके लिए हम खड़े हैं उनके साथ, ये होना भी चाहिए। आपने आपने 100% मतदान की बात की, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन या तो पॉलिटिकल पार्टी उसको कवर कर लेती है, तब आपकी संघ की भूमिका क्या रहती है, संघ के संस्कार, संघ का शिष्ट कहाँ पे काम आता है आपको, क्योंकि बहुत बखेड़ा भी रहता है कई राज्यों में और कई राज्यों में बहुत शांति भी रहती है, तो तब संघ के स्वयंसेवक की भूमिका कहाँ रहती है और संघ की भूमिका कहाँ रहती है, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि आपने सरहदी इलाके की बात की, तो कौन से चैलेंजेस आपके सामने आए और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसके लिए आपने क्या भूमिका? मैंने बताया सुरक्षा के प्रबंध है, पलायन के हैं, जैसे आपने बताया ना वहाँ से लोग भाग जाते हैं, पलायन करते हैं क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है, तो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के सुविधा नहीं है, तो वहाँ से सामान्यतः हिली एरिया से, बॉर्डर एरिया से लोग पलायन करते हैं, इसलिए वहाँ आबादी कम हो जाती है। एक दूसरा है सुरक्षा के, तीसरा आपने जो बताया धर्म परिवर्तन के, ये हो रहे हैं, समस्या ये है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। वहाँ स्वावलंबन कैसे वहाँ, शिक्षा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से योजना बने, सुरक्षा के दृष्टि से, इन समस्याओं को हम एड्रेस करते हैं, ये एक है। दूसरा पहले आपने जो बताया इलेक्शन के समय, इलेक्शन के समय केवल जागरूक नहीं होना चाहिए, लोगों का मत परिष्कार, जनता को निरंतर रूप से, हमें इस बार के विजयादशमी भाषण में उन्हें सरसंघ चालक जी ने एक विषय का संकेत किया है, इलेक्शन के समय क्या होता है, ज्ञाति के नाम से, भाषा के नाम से ये सारे विषय ऊपर आ जाते हैं, इतने जाति के इतने वोट है वगैरह वगैरह होता है, जो भी मजबूरी हो पॉलिटिकल पार्टीज करते होंगे वो अलग बात है, लेकिन समाज के सामाजिक नेतृत्व, संघ जैसे संगठन, धार्मिक नेतृत्व, इनको समाज इसके कारण विघटित ना हो, समाज में इस कारण से आपस में वैमनस्य द्वेष ना बने, इसलिए उस आधार से आप वोटिंग ना करें, समाज के हित के तो देखकर कहिए, राष्ट्र के हित के देखकर वोटिंग होनी चाहिए, यह हम जन जागरण का कार्य करते हैं, वो साल भर करते हैं, चुनाव के समय में थोड़ा अधिक भी करते हैं क्योंकि चुनाव के समय इसकी चर्चा ज़्यादा होती है। एक दूसरा है नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य, ठीक है इलेक्शन कमीशन आजकल कर रहे हैं, अपने लोग भी करते हैं, और वोटिंग अधिकाधिक प्रतिशत हो इस दृष्टि से हमारे कार्यकर्ता योजना बनाकर जाते हैं। जनजागरण के कुछ मुद्दे कुछ एरियाज में होते हैं, उन मुद्दों को कभी कभी उठाते हैं, सब जगह पर पूरे देश में करते हैं ऐसे नहीं है, जनजागरण के कोई विशेष मुद्दे हैं तो उदाहरण के लिए मंदिरों को सरकार से सरकार के कंट्रोल से बाहर रखने चाहिए, मंदिर समाज के इसमें रहने चाहिए, ऐसे पिछले बार कर्नाटक में हुआ था, ऐसे कुछ विशेष मुद्दा है तो उसके जनजागरण हम करते हैं। सर संघ कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो हमेशा उनके निशाने पर कहीं ना कहीं संघ रहता है, हम तो छोटे शहर से हैं, हम पढ़ते हैं अखबारों में उनके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को या उन पॉलिटिकल पार्टियों को जिसके निशाने पर हमेशा संघ रहता है? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक आखिरी सवाल सर, कि आपने राष्ट्र निर्माण का काम संघ करा है, आपके दृष्टिकोण से अभी राष्ट्र के सामने कौन से बड़े पड़कार हैं अपने? देखिए संघ राष्ट्र निर्माण के कार्य हम ही करते हैं, ऐसे हमारा क्लेम नहीं है, देश में बहुत सारे सज्जन शक्ति, बहुत सारे समाज के, देश के बारे में सोचने वाले संस्थाएं, अभियान, व्यक्ति, महापुरुष सब लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर करते हैं। संघ का एक बहुत आग्रह पूर्वक है, समाज में जो वेल मीनिंग पीपल है, अच्छे सोचते हैं, अच्छे करते हैं, हम सभी समय समय पर इकट्ठे आने चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, ठीक है सभी एक ही संगठन में रहना संभव नहीं होता, हर एक के अपने अपने विचार रहते हैं, लेकिन हम आपस में सहयोग करें। यहाँ तक देश के सामने चुनौती क्या है, आपने चुनौती हो सकते हैं, देश में
मुझे हमेशा लगता है भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव को भूलकर राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, यह होना चाहिए। अब क्या है, दक्षिण भारत अलग, उत्तर भारत अलग, कुछ लोगों ने दक्षिण को अलग करने के साजिश बनाए हैं, कटिंग द साउथ। हम राज्य अलग है, दक्षिण के भाषा अलग है, हम द्राविड़ है, इस प्रकार के पॉलिटिकल फील्ड में और इंटेलेक्चुअल फील्ड में कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है। ये सारी चीजें भारत के दुर्बल कमजोर करने वाले विषय है। ऐसा हो ही नहीं सकता, शंकराचार्य दक्षिण से आए, पूरे देश में यात्रा की, देश एक है, गांधी जी यहां से चले दक्षिण भारत तक चले, विवेकानंद बंगाल से चले कन्याकुमारी तक चले, लाल बाल पाल तीन राज्यों के हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीन अलग अलग भाषा के राज्य के हैं, देश के लिए सब लोग मिलकर चले काम किए हैं, तो कैसे दक्षिण और उत्तर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक स्वार्थ से करते हैं, ये इसका समाज में जागृत लोग और सब लोग इसका केवल विरोध नहीं, विरोध तो करना ही है, लेकिन ऐसे चीजों को सफलता ना मिले इसलिए समाज को एक करना, ये पहली चीज। दूसरे है कि संस्कृति के सामने कुछ चुनौतियां हैं। देखिए साइंस टेक्नोलॉजी ये बढ़ते हैं, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जीवन की सुविधाएं बढ़ी हैं, कम्युनिकेशन बढ़े हैं, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, बहुत सारे विषय हैं, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर उसके जो जोर है उसमें अपने जीवन मूल्य, संस्कृति, मेरे पड़ोसी घर में कौन है मुझे जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप से ऑस्ट्रेलिया के साथ संपर्क रखता हूँ। मनुष्य के आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ रहना और संस्कृति, जीवन मूल्य पर आग्रह करना, प्रामाणिकता, सत्य बोलना, सेवा करना, इन चीज़ों पर कमी नहीं होनी, मनुष्य के जो वैल्यूज है वो कम नहीं होने चाहिए। टेक्नोलॉजी वी विल एक्सेप्ट, हमको चंद्रमा पर पहुंचना है, हम पहुंचे हैं, लेकिन हमारे पैर धरती पर रहे, इस जड़े पर रहे, ये दो चीज़ों के बारे में आग्रह है। तीसरा कुछ विषयों के बारे में, विजयदशमी भाषण में सरसंघ चालक जी ने कल्चरल मार्क्सिज्म, वोकिज्म, ऐसे विषयों के बारे में उन्होंने कहा भी है, उल्लेख किया है, वो सारे चुनौतियाँ आ सकती है, कुछ जगह पर वो सिर उठा रहे हैं, इस दृष्टि से उसका उल्लेख विजयदशमी भाषण में हुआ ही है, मैं उसका केवल पुनरुक्ति करता हूँ। बहुत अच्छा, आप लोगों के भोजन के लिए भी व्यवस्था है ना, निमंत्रण भी है ना, भोजन व्यवस्था छे बधा माटे, तो भोजन लेने आपने। पुनः एक बार आपको धन्यवाद, आप ऐसे हमको प्रश्न पूछते रहिए, हमारे मन में जो है वो हम उत्तर देते हैं, हम देखिए पॉलिटिक्स में नहीं है, हम तो समाज के काम करते हैं।